आधार क्या होता है? आधार रेखा होती है आधार, तो है बेस। वेरी गुड। अब ये पेन है मेरे हाथ में, ठीक है, ये मेरे हाथ में पेन है, तो आधार क्या है? हाथ। लेकिन सिर्फ पेन है और हवा में लटक रहा है, तो ये पेन तो हमें दिख रहा है, हवा में लटका हुआ भी दिख रहा है, लेकिन आधार क्या है? जब हम पेन का आधार नहीं देखेंगे, उस टाइम हम ये देखेंगे कि ये जो फोम है ना, इसका आधार क्या है, ये कहाँ पे है, कहाँ पे इसकी एग्जिस्टेंस है, ठीक है। अब मान लो सबसे पहले हमने पढ़ा था बिंदु, बिंदु पढ़ा था, बिंदु के बाद हमने क्या पढ़ा था, रेखा। अब कोई मैं तो ये बताए बिंदु कहाँ पे है? रेखा के ऊपर। रेखा को मिटा देते हैं, फिर रेखा के ऊपर बिंदु है, तो अब बताओ बिंदु कहाँ है? हवा में बिंदु है। वेरी गुड। चलो मान लिया हवा में बिंदु है, तो कहाँ है बिंदु? कहाँ है बिंदु? हवा में है ना, हवा में तो मैंने कर दिया, बिंदु कहाँ है? स्क्रीन पे है। गुड, वेरी गुड। रेखा कहाँ है? स्क्रीन पे। और आप बिंदु से क्या बनता है? गोला। बिंदु से रेखा बनती है, और रेखाओं के ऊपर, रेखाओं से आकृतियों का निर्माण होता है, वो आकृति चाहे कैसी भी हो, समझ गए? अब हमें किसके किसके बारे में पढ़ना है? कला के मूल आधार, सबसे पहला आधार तो क्या है? स्पेस, ना कि बिंदु, ना कि गोला, सबसे पहला आधार है स्थान, अंतराल, स्पेस। क्योंकि जगह ही नहीं होगी तो हम कहां क्या चित्रित करेंगे, करेंगे क्या? तो सबसे पहला आधार क्या हो गया? स्थान, जिसको बोलते हैं अंतराल। स्थान मतलब स्पेस, ठीक है। वो स्पेस अगर तारों की बात कर रहे हैं तो आकाश हो सकता है, ठीक है। अगर जमीन की बात कर रहे हैं, पेड़ों की बात कर रहे हैं, तो जमीन हो सकती है, ठीक है। क्लासरूम की बात कर रहे हैं तो बेंच हो सकता है हमारा आधार, हमारा आधार ब्लैक बोर्ड हो सकता है, हमारा आधार बोर्ड हो सकता है, हमारा आधार दीवार हो सकता है, ठीक है। इवन एक टैटू भी जब छपवाते हैं तो हमारा आधार क्या होता है? हमारा हाथ या कमर पे, जहां भी हम छपवाते हैं, तो स्पेस तो है ना। सबसे पहला क्या हो गया? स्पेस। अब स्पेस के बाद क्या होता है? स्पेस के बाद होता है रेखा। कि स्पेस पे कुछ बनाओगे ना, तभी तो आकृति का निर्माण होगा कि नहीं? पक्का? ठीक है। अब रेखा से हम क्या बनाएंगे? रेखा से किसका निर्माण करेंगे? पक्का हम रूप का निर्माण करेंगे? पक्का? अगला हो गया हमारा पोत। अगला क्या हो गया हमारा? पोत। पोत क्या होता है? पोत क्या होता है बताओ? पोत क्या होता है?
रंग कितने हो गए ये? चार कैसे हो गए? ये कोमा है, मात्रा नहीं है। कैसे हो गई? मैम चौथा तो आया नहीं। गुड गुड गुड, यही तो मैं देखना चाह रही थी कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। ठीक है, इसका मतलब तुम्हारा ध्यान बिल्कुल सही जगह पे। अब हमारे पास क्या है? स्थान है, रेखा है, रूप है, पोत है और रंग तान का। और जो पोत है, पोत को क्या कई बार टेक्सचर भी कहते हैं। ये मूल आधार है मनुष्य को जीने के लिए। क्या चाहिए मूलभूत चीजें? मैम पानी, ऑक्सीजन, पानी, ऑक्सीजन, खाना, मूलभूत चीजें उसको जीने के लिए क्या चाहिए? मैम ऑक्सीजन, सबसे पहले उसको ऑक्सीजन, वाटर, वाटर, फिर खाना। अरे भाई स्पेस ही नहीं होगा, धरती पे ही नहीं होगा तो क्या कहाँ जिएगा? सबसे पहले उसको स्पेस चाहिए, जगह। चंद्रमा पे गए है ना? यस मैम। मंगल पे भी गए हैं? हम दूसरे ग्रह से मंगल पे गए हैं तो मंगल पे सबसे पहले हमने क्या देखा? स्पेस देखा। स्पेस पे तो उतरे थे, स्थान पे तो गए थे। स्थान के बाद हमने वायुमंडल देखा वहां का, अब जलवायु देख रहे हैं है ना। फिर उसके बाद उस पर और संभावनाएं ढूंढ रहे हैं कहां क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हमें सर्वाइव करने के लिए जगह जगह चाहिए, फिर हमें ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, बाकी सारी चीजें बाद में चाहिए। ऐसे ही किसी भी कला या कलाकृति को पूर्ण करने के लिए हमारे पास जब तक ये पांच चीजें नहीं है तो वो पूर्ण नहीं होगी। बिना स्पेस के हम बनाएंगे कहाँ? जब हम पोस्टर बनाते हैं, जब हम कोई पेंटिंग बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो हमें क्या चाहिए? एक पेपर चाहिए होता है, पेपर पे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद पेंसिल, रेखा से बनाते हैं, वो सामग्री में आएगा। रेखा पे रेखा से बनाते हैं, उसके बाद रूप क्रिएट करते हैं, एक रूप की रचना करते हैं। उसके बाद अब रूप में भी टेक्सचर हमें बनाना है। पेड़, पेड़ में कैसा टेक्सचर होता है? खुरदरा सा, खुरदरा सा टेक्सचर होता है ना। पेड़ को अगर टच करके देखेंगे वो होगा खुरदरा, लेकिन अगर हम उसको बनाएंगे तो उसको खुरदरी से आकृति में बनाएंगे। पेपर के ऊपर जब हम हाथ फेरेंगे तो वो खुरदरा नहीं दिखेगा पहली बार जब बनाएंगे, और जब और एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हो सकता है हम अपनी आकृतियों को वहां खुरदरा कुछ भी ऐसा एडिशनल मटेरियल उस पर लगा के, एक्स्ट्रा मटेरियल लगा के हम उसको उभारदार बना सकते हैं। जैसे मंदिरों में मूर्ति होती है तो वो भी कलाकृतियां। ठीक है, वो उभरी हुई मूर्ति होती है, कुछ चित्रित मूर्तियां होती हैं, कुछ उकेरी हुई मूर्तियां होती है। तो उनमें फर्क क्या है? हाथ फेर के जब हम देखेंगे तो उभरा हुआ या फ्लैट दिखेगा। यही है टेक्स्चर, यही है पोत। समझ गए? समझ गए? एक सिंपल एग्जांपल दूं, सिंपल एग्जांपल। किसी बच्चे के सिर पे बाल है, उसके सिर पे हाथ फेरेंगे बाल पता चलेगा। गंजे बच्चे के सिर पे हाथ फेरेंगे तो बिल्कुल फ्लैट दिखेगा। दोनों में फर्क आ गया? तो क्या है दोनों? क्या है? एक तो समतल है, धरातल का जो टेक्सचर है वो समतल है क्योंकि वो गंजा है, बिल्कुल फ्लैट। ठीक है, और एक धरातल का जो टेक्सचर है उसमें बाल है, वेरिएशन। ठीक है, टेक्सचर समझ में आ गया? कपड़े के ऊपर हाथ फेरेंगे और कागज के ऊपर हाथ फेरेंगे। अब देखो इस पेपर पे हाथ फेर रही हूँ और इस कागज पे हाथ फेर रही हूँ तो दोनों में फर्क नजर आ रहा है? ये क्या है? ये टेक्सचर है ये। ठीक है,
ये इसका टेक्सचर है, प्लेन टेक्सचर है, ये पर्स का टेक्सचर है, हाथ फेर के जो महसूस कर रहे हैं वो टेक्सचर है। लिपी हुई दीवार, लिपी हुई कच्ची दीवार और इस दीवार पे अगर हाथ फेर के देखेंगे तो दोनों की दीवारों को छूने में जो हमें एहसास अलग अलग महसूस होगा वो क्या होगा? टेक्सचर होगा, वो पोत होगा। बहुत समझ में आ गया। अब आ गया रंग तान। रंग हमने समझ लिए, रंग हमने पहले ही समझ लिए, रंग तान क्या है बताओ? तान बताओ, बताओ, तान मतलब प्रकाश की तरफ बढ़ाते हुए टोन, ठीक है। हमने एक रंग बनाया, कोई भी एक रंग लिया, उसमें मान लो ये कलर प्लेट में हमारा एक कोई भी एक, चलो मैं ये ब्लैक नहीं लेती, मैं कोई और कलर लेती हूँ। मान लो मैंने कलर ले लिया हरा, आवाज तुम्हारी अगर आ गई ना, कलर ले लिया हमने, जिसको बात करनी है बाहर चले जाओ, बाहर जा सकते हो। कलर हमने ले लिया हरा। अब पेड़ है, पेड़ में कितनी तान है बताओ? दो। पेड़ में हमें, अब देखो ध्यान से सुनना, पेड़ में हमें ये कितने सारे ग्रीन है, कितने सारे ग्रीन है ये बताओ, कितने ग्रीन है पेड़ में? ये टोन भी हमें मिलेगी, ये भी मिलेगी, ये भी मिलेगी, ये सारी टोन हमें एक पेड़ में मिलेगी, ये ऊपर वाली ये सारी टोन हमें एक पेड़ में मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? कोई पेड़ हल्का मिलेगा, कोई पेड़ गहरा मिलेगा, कोई पेड़ अंधेरे में है, कोई पेड़ गहराई में है। तो ये जितने भी हैं ये सारी क्या है? तान है, शेड्स। ये तान जितनी भी है ये सारी हमें एक पेड़ में मिलेंगी। जरूरी नहीं है कि एक एक पत्ता एक पेड़ का बनाए, लेकिन जब किसी भी पेड़ की तरफ देखेंगे हम तो ये जितने भी ताने हैं ये सारे रिफ्लेक्ट होते हुए हमें नजर आएंगे, ठीक है। तो रंग तान क्या हो गया बताओ? ठीक है। अब शेड को तो हम सिर्फ पेंसिल से कह देते हैं, शेड करेंगे, रंगों में भी शेड होती है। तो तान मतलब जब आप कोई फ्रेश कलर उसमें मिला रहे हो, जो आपको लाइटनेस की तरफ लेके जा रहा है, वो सारी तान है। और अगर आप मिला रहे हो कोई ब्लू कलर, ब्लू मिला दिया आपने, ठीक है, दूसरा कलर उठा लो ब्लैक, ब्लैक ले लिया, दूसरा कलर अब देखो ये इसी को उठा लो, ठीक है, ये ही डिजाइन देख लो तुम। अब येलो है, येलो प्योर है, येलो प्योर है ना, कुछ मिक्स नहीं है, लेकिन ये प्योर नहीं है, ये कलर प्योर नहीं है। ये प्योर कलर में कुछ मिक्स किया है तब जाके हमें ऑरेंज शेड मिलेगी, है ना। अब देखो क्या 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 मिला है तब जाके ये बना है। थोड़ा सा नजदीक आके देखोगे ना, नजदीक का मतलब ये नहीं कि उठ के आओगे, थोड़ा सा अपने विजुअल को इसके नजदीक करो। जब ये दोनों कलर मिले हैं ना बेटा, ये दोनों कलर मिले हैं तो ये कलर बना है, नहीं बना बताओ?
टान है, डिफरेंट डिफरेंट टान कैसे देनी है हमने रंगों की, वो ये रंगों की टान। आगे समझो, तो मूल आधार कितने हैं हमारे, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार और नंबर पांच, पक्का।